एक बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आई है। जी हाँ गाइस, स्कॉलरशिप फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो ज़रूर बढ़ेगी। आगे मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। साथ ही डीडब्ल्यू के अधिकारी ने क्या स्पष्ट रूप से बताया, इन सारी चीज़ों को इस वीडियो के अंदर प्रूफ के तौर पे बताऊँगा। साथ ही ऑफिशियल नोटिस कब जारी होगा, इन सारी चीज़ों को आप खुद ही जान लीजिए और समझ लीजिए। उसके बाद फिर कहिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, नीचे देखिए लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ ऐसे ऑथेंटिक न्यूज़ सबसे पहले जानने के लिए। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस यार, एक बड़ी इन्फॉर्मेशन जो कि लाइव हिंदुस्तान से इस वक्त मैं कवर कर रहा हूँ। यहाँ गाइस आप देख सकते हैं कि शिक्षण संस्थानों में कक्षा ग्यारहवीं तथा बारहवीं के स्नातक, स्नाकोत्तर और मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, नर्सिंग आदि के जो भी व्यावसायिक पाठ्यक्रम है उनमें छात्रवृत्ति व फीस भरपाई की जो भी आवेदन की ऑनलाइन तिथि थी वो सोमवार तक किया जा सकता है, यानी कि आज तक आप कर सकते हैं। आज आखिरी डेट है ऑफिशियली तौर पर। यहाँ गाइस अभी तक कोई नोटिस नहीं जारी हुआ। जिस वक्त मैं वीडियो को बना रहा हूँ हो सके कुछ घंटों में नोटिस जारी हो जाए, या फिर नहीं जारी होगा तो कब होगा, इन सारी चीज़ों को इस वीडियो के अंदर बताने। और सभी छात्रों के जहन में सवाल होगा, जारी भी होगा, डेट बढ़ेगा भी या नहीं, तो इन सारी चीज़ों को कवर करने वाला वीडियो के एक भी पार्ट को स्किप नहीं करना है। अच्छा गाइस, आगे की इन्फॉर्मेशन जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन करने की जो समय सीमा है पहले 21 अक्टूबर तक तय की गई थी, अब उसे बढ़ा के 25 अक्टूबर तक कर दिया गया है। ये चीज़ें आपको मालूम होंगी। और आज ही 25 अक्टूबर है और डेट जो है वो बढ़ने को लेकर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आया है यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे। और यूपी स्कॉलरशिप की अगर हम वेबसाइट की बात करें तो गाइस यार, स्कॉलरशिप की जो भी वेबसाइट है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है और बहुत अच्छे से कह सकते हैं कि दौड़ रहा है, चल नहीं रहा है। और उसके साथ देखिए कई सारे सवाल आपके हैं, उन सारे सवालों को इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। अब यहाँ से देखिए हम यूपी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं क्या कोई इन्फॉर्मेशन है। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन अंदर की इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं तो 31 अक्टूबर तक के लिए डेट जो है वो बढ़ाया जा सकता है आने वाले दिनों में। अगर आज शाम को 8 बजे तक नोटिस आ गया तो फिर ठीक है, और नहीं आया तो मेरे भाई एक चीज़ जान लीजिए, 1-2 दिन बाद, हर साल ऐसा होता है, इस बार भी ऐसा होगा कि आपका जो डेट है उसको तो ख़त्म कर दिया गया कि कल से आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, उसके 1-2 दिन बाद जो भी फॉर्म का डेट है वो खोल दिया जाएगा। ऐसे में क्या होगा कि आप अपना फॉर्म जो है वो बेहद आसानी से भर सकते हैं। कोई सा भी एक सर्वर में क्लिक करता हूं और जो सर्वर है वो बेहद आसानी से ओपन हो जा रहा है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं इस वक्त। यहाँ गाइस सर्वर जो है वो आसानी से ओपन हो जा रहा है और आप लोग अपना जो भी फॉर्म है उसको फुल कर दीजिए, लॉक करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगा जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है मेरे भाई, जब भी डेट बढ़ेगी मैं वीडियो के माध्यम से सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करूँगा। बस आपको एक काम करना होगा, काम ये करना होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करके हमारे साथ जुड़ जाना होगा, तभी कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको मालूम चलेगा। देखिए अब कुछ सवालों के जवाब देते हैं कि डीडब्ल्यू के अधिकारी ने क्या कहा है, इन सारी चीज़ों को चलिए आपको बताते हैं, उसके बाद वो जो भी अपडेट देंगे उन सारी चीज़ों पर हम बात करते हैं। गाइस अब प्रूफ के तौर पर आपको चीज़ें मैं दिखाना चाहूँगा इस वीडियो के अंदर। हालाँकि मैं प्रूफ कभी दिखाता नहीं, मैं जानता हूं कि आप लोग ट्रस्ट करते हैं, लेकिन चलिए देख लो भाई लगे हाथ। जी हाँ गाइस, आज की डेट में मैंने जो कि टुडे में आप देख सकते हैं कि उनसे मैंने पूछा, क्या पूछा कि डेट बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी, इस चीज़ के रिगार्डिंग जब मैंने उनसे सवाल किया तो उनका क्या जवाब आया, और साथ ही 2020-21 की स्कॉलरशिप आगे आएगी या फिर नहीं, उन सारी चीज़ों को चलिए आप जानते हैं। जी हाँ गाइस, उनका साफ साफ कहना है कि इस संबंध में कोई भी जानकारी नहीं है, यानी कि डेट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी ये अधिकारियों को इस वक्त मालूम नहीं है। और जब भी जारी होगा लखनऊ की तरफ से डायरेक्ट पीके त्रिपाठी जो कि स्कॉलरशिप के चीफ डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं, वो इस चीज़ को जारी करते हैं। तो ऐसे में जो छोटे डीडब्ल्यू अधिकारी होते हैं उन्हें, यानी कि कह सकते हैं जो डिस्ट्रिक्ट डीडब्ल्यू अधिकारी होते हैं, उन्हें ये चीज़ें नहीं मालूम है। तो गाइस आप प्रूफ के तौर पे देख लीजिए, इस संबंध में कोई भी जानकारी नहीं है। उसके बाद मैंने एक सवाल और किया कि 2020-21 के सेशन की स्कॉलरशिप आएगी या फिर नहीं, और आएगी तो कब आएगी, तो अभी उनका जवाब नहीं आया। जवाब जब भी आएगा मैं वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर प्रूफ के तौर पे कवर करूँगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं कल रिकॉर्डिंग भी डालूँ वीडियोज़ में तो कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर खींचेगा। आप आगे की इन्फॉर्मेशन। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि जो डेट है वो ज़रूर बढ़ेगी, इसका कई कारण है। पहला कारण तो ये है, देखिए मैं आपसे खुद पूछता हूँ, कोई आप एक कारण बता दो जिससे कि डेट ना बढ़े। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि डेट जो है वो बढ़ेगा, और ये डेट कितने तक बढ़ेगा ये अधिकारी तय करेंगे, ये पीके त्रिपाठी जी तय करेंगे। जो आपको इन्फॉर्मेशन देना है वो ये है आपको कि भैया देखिए डेट बढ़ाने के पीछे कारण है, लाखों छात्र अभी भी अपना जो फॉर्म है वो अप्लाई नहीं कर पाए हैं, सही से लॉक नहीं करा पाए, संशोधित नहीं करा पाए, ऐसी कई सारी समस्याएँ जो हैं वो उनके फॉर्म में अभी भी हैं। तो फिर भाई डेट बढ़ना लाजमी है, और नहीं बढ़ा तो फिर एक चीज़ जान लीजिए, एक डाटा मैं आपको कहना चाहूँगा, 47 लाख बच्चों ने स्कॉलरशिप का फॉर्म भर दिया है टोटल। उम्मीद है कि रात को 12 बजे तक भर देंगे। और 55 लाख लड़कों को स्कॉलरशिप दिया जाएगा M.2 से छात्रों को, इसमें छात्राएं भी आएंगी, समझ सकते हैं आप लोग लैंग्वेज से। तो फिर भैया कैसे होगा यार, 7 लाख बच्चे एक्स्ट्रा, वो उनका पैसा कहाँ जाएगा। और फॉर्म टोटल 80-90 लाख फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं, ना 90 लाख तो कम से कम 60-65 लाख 70 लाख तो हर साल फॉर्म जो है वो अप्लाई किए जाते हैं। तो ऐसे में अभी काफ़ी जो फॉर्म्स हैं वो भरे जाने बाकी हैं मेरे दोस्त। और ये चीज़ जान लीजिए कि डेट अगर आज नहीं बढ़ी शाम को तो फिर हम ट्विटर पर ज़रूर ट्वीट करेंगे। और आप लोग का मुझे सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट आप पहला कैसे करेंगे, आपको 3 काम करना होगा। पहला तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जुड़ जाना होगा हमारे साथ, क्योंकि हम जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। और वीडियो के माध्यम से जब हम आपको बताएंगे तो तभी आपको मालूम चलेगा। और दूसरा ये है कि मेरा जो ट्विटर का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अकाउंट है उसका जो लिंक है उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ज्वाइन करना चाहो तो कर लो पहले से ही, क्योंकि आगे बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। बात करूंगा आगे की इन्फॉर्मेशन की कि गाइज ये भी होगा। तीसरा जो प्रोबेबिलिटी मैं आपको बता दूं, एक बड़ी प्रोबेबिलिटी है जो बहुत कम लोग ही जानते हैं यूट्यूब पे भी, और मैं ओपनली जो भी होता है वो कहता हूँ। जी हाँ गाइज, पहला तो जो मैंने बताया, दूसरा जो बताया, तीसरा ये है कि हो सके कल परसों तक के लिए पोर्टल को बंद किया जाए, उसके बाद 1-2 दिन 3 दिन के लिए पोर्टल को फिर से ओपन कर दिया जाए। अगर ऐसा होगा तो हम वीडियो के माध्यम से आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे और एक बड़ी खुशखबरी होगी वो छात्रों के लिए। बाकी का आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं, डेट बढ़े फिर ना बढ़े, क्योंकि मुझे भी एक डाटा मिलेगा। मैं खुद अपने चैनल पे वोटिंग कराने के मूड में हूँ, इसी वीडियो का लिंक डाल के कम्युनिटी पोस्ट करूँगा और वोट करवाऊँगा कि आपने अपना फॉर्म भरा या फिर नहीं भरा है। इन सारी चीज़ों को आपको करना होगा, हमारे साथ एक्टिवली जुड़ना होगा। मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब पे कई सारे फेक वीडियोस रिगार्डिंग इस चीज़ के रिगार्डिंग अपलोड हो रहे हैं। मैं भी चाहता तो दोपहर में इस वीडियो को डाल देता, लेकिन 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 मेरे दोस्त कहते हैं ना कि ऑफिशियल अपडेट के बिना प्रकाश यूटेक पे कोई भी बात नहीं होगी। और प्रूफ भी मैंने आपको दिखाया, कानपुर के DW अधिकारी से जो भी व्हाट्सएप पे मैंने वार्तालाप किया आज की डेट में स्कॉलरशिप के फॉर्म बढ़ने को लेकर, उस चीज़ को दिखाया। और अगर आप लोग कहेंगे तो फिर कॉल रिकॉर्डिंग भी कभी सुना दूंगा, क्योंकि कॉल रिकॉर्डिंग भी मैं एक नहीं कई सारे रिकॉर्डिंग्स रखा हूँ। अब यहाँ पे ये चीज़ें हो गई। दूसरा इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहूँगा वो ये है कि हो सके 2 दिन के लिए पोर्टल बंद करके उसके बाद डेट को बढ़ाया जाए, ये भी सही होगा। या फिर आज कंटिन्यू डेट बढ़ा दिया जाए शाम को सर्कुलर जारी करके, ये भी सही होगा। देखिए आगे जो भी होगा हम वीडियो के माध्यम से आपको पक्का इन्फॉर्म करेंगे, बस आपको जुड़ जाना होगा हमारे साथ। तो चलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग प्रकाश यूटेक। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, होप यू गाइस आर एंजॉयिंग।